हेलो दोस्तों मैं क्वेश्चन आर्या और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आर्या कोचिंग जैसा कि आप जानते हैं आप यहां पर पढ़ते हैं इंटरमीडिएट की मैथ और फिजिक्स की क्लास बहुत ही सरल और यूनिक तरीके से तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं इंटरमीडिएट की मैथ की क्लास और आज की मैथ की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कंटिन्यूटी इन डिफ्रेंसीबिलिटी कि एक्सरसाइज जो 5.1 है 5.1 के कुछ क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी पिछले वाले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14 से ओके तो ये पार्ट uh, थ्री है 5.1 का क्योंकि ऑलरेडी हम इसके दो पार्ट दे चुके हैं अगर आप में से किसी ने भी पिछले वाले वीडियोज इसके नहीं देखे हैं तो प्लीज आप चैनल पर विजिट करिए और दोनों वीडियोज देखिए क्योंकि अगर आप कंटिन्यूटी एंड डिफ्रेंसीबिलिटी को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको शुरुआत से देखना चाहिए ठीक है तो पार्ट वन पर विजिट करिए अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो इसी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा वहां पर लिंक मिल जाएगा आप उस पर क्लिक करें और आप आराम से उस वीडियो को देख सकते हैं ठीक है तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेलाइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन ऐसे आपको नहीं मिल पाएगा जब तक आप बेलाइकन को नहीं प्रेस करते हैं ठीक है तो चलो वेलायकन को प्रेस कर लीजिए और हाँ वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि बाद में आप वीडियो की भावनाओं में खोने वाले हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हम चलते हैं क्लास को स्टार्ट करते हैं ठीक है तो आज की क्लास में जैसा कि हमने बताया है क्वेश्चन नंबर थर्टीन से लेकर के आगे हमें डिस्कस करने हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन तक सॉरी हम पहले ही डिस्कस कर चुके थे आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर्टीन से डिस्कस करने वाले हैं ओके सो देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फोर्टीन के ऊपर एक संकेत दिया गया है मतलब जो निर्देश दिया गया है दिया है फलन f के सातत्य पर विचार कीजिए जहाँ f निम्नलिखित द्वारा परिभाषित है ठीक है नीचे क्वेश्चन नंबर फोरटीन दिया गया है दिया गया है एफ एक्स ये फलन एफ एक्स है जिसको परिभाषित किया गया है कैसे परिभाषित किया गया है दिया गया है थ्री एफ एक्स का वैल्यू थ्री होगा कब यदि यदि जो जीरो इज लेस देन और ग्रेटर एक्स सॉरी या एक्स एंड एक्स इज लेस देन इक्वल वन ओके ये दिया गया है आगे यहीं पर दिया गया है फोर यदि यदि वन इज लेस देन एक्स वन इज लेस देन एक्स एंड एक्स इज लेस देन थ्री ओके ये दिया गया है आगे यहां पर दिया गया है फाइव फाइव यदि यदि बताया गया है थ्री इज लेस देन और इक्वल थ्री इज लेस देन और इक्वल एक्स एंड एक्स इज लेस देन और इक्वल टेन ओके ये क्वेश्चन आपको बताया गया ये फंक्शन दिया गया था फंक्शन को यहां पर डिफाइन किया गया है इसको परिभाषित किया गया है अब आपको बताना है इस पर सांतत्य पर विचार करना है कि ये संतत किन किन बिंदुओं पर संतत है और किन किन बिंदुओं पर असंतत है हमें ये बताना है ठीक है तो चलो हम देखते हैं यहां पर देखिएगा आपको जीरो दिख रहा है जीरो का सेकेंड पार्ट नहीं दिख रहा है यहां पर देखिए वन है वन है थ्री है थ्री है तो मतलब हमें केवल और थ्री पर चेक करना है ना ही टेन पर चेक करना है ना ही जीरो पर चेक करना है क्योंकि जीरो का अगर लेस देन वाला दिया है तो ग्रेटर देन वाला नहीं दिया है टेन का जो है ग्रेटर देन दिया है एक्स से टेन इज ग्रेटर देन एक्स है लेकिन यहाँ पर लेस देन नहीं दिया है तो हम टेन और जीरो पर नहीं चेक करने वाले केवल किन पर चेक करना है हमें वन और थ्री पर चेक करना है ठीक है तो हमें चेक करना तो पता ही है अगर आप में से किसी को नहीं आता है तो इसीलिए मैंने कहा है पिछला वाला वीडियो देखिए पार्ट वन देखिए पार्ट टू देखिए तब आप पार्ट थ्री देखेंगे बहुत अच्छे से समझ में आने वाला ठीक है थेके? तो चलो हम तो चलते हैं और लगाते हैं सबसे पहले हमें क्या चेक करना है एक्स इक्वल वन पर ओके एक्स इक्वल वन पर सबसे पहले चेक करते हैं तो सबसे पहले चेक करने के लिए क्या किया जाता है एक्स इक्वल वन पर हम एफ एक्स का वैल्यू निकालें तो एफ एक्स एक्स इक्वल वन के लिए कौन सा होगा तो हमें पता है जब एक्स का वैल्यू के एक हो एक्स का वैल्यू जब वन के इक्वल होगा तब हमें ये वाला फंक्शन लेना है सारे थ्री आने चाहिए तभी तो संतत माना जाता है तो निकालते हैं इसका एल एचल आप लोगों को पता है कैसे एल एचल निकाला जाता है यहां पर हम क्या करते हैं लिमिट एक्स एक्स टेंस टू वन

थ्री ही आने वाला है ठीक है तो हम देख रहे हैं एलचल इसका क्या आया है थ्री अगर हम आर की बात करते हैं तो आर क्या होगा बच्चा आरचल क्या हो जाएगा तो ये आरचल के लिए एक्स अप्रोचेज वन प्लस करना पड़ता है तो हमने वन प्लस कर दिया और यहां पर वन प्लस का मतलब है एक से अधिक ठीक है जब x का वैल्यू एक से अधिक होगा एक से अधिक होगा तो ध्यान से देखिएगा x का वैल्यू जब है एक से अधिक है ऐसी स्थिति में हमें क्या लेना है फोर और यहां पर x तो है नहीं तो इसका मतलब है हमें लिमिट तो रखना नहीं है डायरेक्ट इसका आंसर क्या आने वाला है फोर तो हम देख रहे हैं कि एल एच एल और आर एच एल दोनों इक्वल नहीं आए हैं अर्थात हम कह सकते हैं एल एच एल इज नॉट इक्वल आर एच एल अतः x इक्वल थ्री पर सॉरी x इक्वल वन पर यह फलन संतत नहीं है तो हमें यह तो पता चल गया है कि x इक्वल वन पर यह फलन संतत नहीं है आगे की बात देखते हैं और तीसरे मतलब x इक्वल थ्री पर चेक करते हैं ठीक है तो 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 x x x x पर पर हम जब चेक करेंगे तो x equal 3 पर के लिए सबसे पहले fx का वैल्यू बताइएगा जरा जब x 3 के हो तब हमें लेना है लेकिन x के इक्वल होगा या फिर बड़ा होगा तब हमें ये वाला लेना है, है ठीक तो है तो यहाँ पर हमें क्या लेना है फाइव लेना है तो एफ एक्स इक्वल क्या फाइव हम कह सकते हैं एफ के लिए क्या वैल्यू होने वाला है फाइव होने वाला है इसी प्रकार इसका भी एल और आरएचल निकालते हैं तो एल एच एल ठीक है तो एल एल में क्या करना पड़ेगा लिमिट एक्स अप्रोचेज थ्री माइनस करते हैं थ्री माइनस मतलब थ्री से छोटा है और जब एक्स का वैल्यू थ्री से छोटा होगा तो इसका मतलब है हमें क्या लेना है ये वाला ऑप्शन लेना है मतलब फोर लेना है यहाँ पर लिमिट रखना तो है नहीं तो ये इसका आंसर क्या आएगा फोर आएगा इसके हम आर की अगर बात करें तो बच्चा आर की बात करते हैं जरा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेज थ्री प्लस

अन्य सभी बिंदुओं पर संतत माना जाएगा ठीक है तो हम लिखते हैं क्या लिखेंगे कि x इक्वल वन और थ्री पर के लिए यह फलन संतत नहीं होगा किंतु x इक्वल

आ, X R 1, पर संतत है ठीक है क्योंकि वन कॉमा थ्री पर संतत नहीं था तो आर से वन माइनस वन कॉमा थ्री घटा दिए अन्य सभी बिंदु जो भी होंगे उन सब पर संतत होने वाला है ठीक है तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने इसको इस तरह से सॉल्व कर लिया है चलो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर अपने अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे देखिएगा बहुत ही सरल होता है केवल आपको समझना है और समझने के लिए आपको शुरुआत से वीडियो देखना जरूरी हो जाता है ठीक है तो अगर आप हमारे पार्ट वन से देख रहे होंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा और अगर आपको समझ में आता है तो भाई इसे लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर कोई दिक्कत हो रही हो तब भी बताइएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तब भी बताइएगा ठीक है तो चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन ओके क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन में भी कुछ ऐसे ही क्वेश्चन दिया गया है एक फंक्शन दिया गया है फंक्शन को डिफाइन किया गया है फंक्शन क्या बताया गया है टू एक्स टू एक्स यदि एक्स इज लेस देन जीरो ओके दिया गया है टू एक्स यदि एक्स इज लेस देन जीरो एंड यहां पर दूसरा फंक्शन दिया जीरो यदि एक्स इज सॉरी यहां पर दिया गया है इज इज लेस लेस देन देन और और इक्वल इक्वल एंड ओके ये वैल्यू दी गई है और यहां पर एक और फंक्शन दिया है फोर एक्स कब यदि x जो है वन से ग्रेटर हो x इज ग्रेटर देन वन ठीक है ये तीन फंक्शंस दिए गए हैं अब देखना है कि यह फलन संतत है किस पर संतत है और किस पर असंतत है ठीक है तो चलो चेक करते हैं सबसे पहले हमें क्या करना है जीरो पर चेक करना है और वन पर चेक करना है तो चलो हम जीरो और वन पर चेक कर लेते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं एक्स जीरो पर हम जब चेक करेंगे फलन को तो फलन का वैल्यू क्या होगा एक्स इक्वल जीरो पर तो एक्स इक्वल जीरो मतलब एक्स जब जीरो से छोटा होगा तब हमें यह लेना है लेकिन जब एक्स जीरो के बराबर होगा या बड़ा होगा तब हमें यह लेना है तो एक्स इक्वल जीरो पर के लिए क्या हो जाएगा एफ एक्स का वैल्यू जीरो होने आ

जीरो से कम है एक्स का वैल्यू जब जीरो से कम होगा तो हमें कौन सा वैल्यू लेना है टू एक्स ये वाला फंक्शन लेना है लेकिन x की जगह पर हमें क्या लिखना है जीरो माइनस एच और h इंस्टेंट टू हो जाएगा जीरो पर लिमिट चेंज होने वाली है h अप्रोचेज हो जाता है एच की जगह पर हम क्या लिखते हैं जीरो माइनस एच ओके okay? यहाँ पर हम लिमिट रख देते हैं तो रखते हैं टू इंटू जीरो माइनस एच की जगह पर जीरो रखेंगे तो ये आ गया हमारा जीरो इसका मतलब एल एच एल क्या आया है जीरो चलो हम आर एच एल इसका देख लेते हैं आर एच एल क्या होने वाला है तो सिंपल सी बात है भाई

हमें पता चला कि इसका एल एच एल और आर एच एल और इसका जो एफ एक्स निकला था जीरो पर हम कह सकते हैं एफ जीरो ये तीनों इक्वल आए हैं अतः जो फलन होगा वह x इक्वल जीरो पर संतत है क्या है x इक्वल जीरो पर संतत है यह तो क्लियर हो गया है x इक्वल जीरो पर संतत है अब हमें एक और बिंदु देखना है x इक्वल वन तो चलो देख लेते हैं x इक्वल वन पर ठीक है x इक्वल वन पर के लिए जो हमारा जो फलन होगा मतलब जो फंक्शन होगा एफ होगा वो कौन सा होगा एक्स जब एक्स जो है वन से बड़ा होगा तब हमें ये लेना है लेकिन जब x जीरो के बराबर हो या फिर वन के बराबर हो तब हमें यही वाला लेना है तो फंक्शन हमें क्या लेना है जीरो ही लेना है मतलब f वन जो होगा वो क्या होने वाला है जीरो होने वाला है जब इसका हम एल एच एल निकालेंगे तो निकाल लेते हैं एल एच एल इसका एल एच एल निकालते हैं तो लिमिट एक्स अप्रोचेस वन प्लस सॉरी वन माइनस करते हैं एलएचएल के लिए वन माइनस मतलब एक्स का वैल्यू वन नहीं है वन माइनस है वन माइनस मतलब वन से कुछ कम है और जब एक्स का वैल्यू वन से कुछ कम होगा तो हमें कौन सा फलन लेना है जीरो वाला तो हमने ले लिया जीरो वाला यहाँ पर एक्स है नहीं तो इसमें लिमिट रखनी नहीं है इसका आंसर क्या आने वाला है जीरो आने वाला है अब भाई आर एच एल निकाल के देख लेते हैं ठीक है तो आर एच एल जब निकालते हैं इसका तो ये क्या हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेज वन प्लस वन प्लस का मतलब क्या है एक से अधिक ओके जब X से अधिक हो एक्स का वैल्यू तो हमें कौन सा लेना है फंक्शन देखिए तो कुछ, कुछ अधिक है कितना एच अधिक है और एच जहां कहा किससे अप्रोच करता है हमेशा जीरो से ठीक है तो हम लिख देंगे लिमिट एक्स सॉरी एच अप्रोचे जीरो H अप्रोच जीरो और यहां पर फोर लिखिए एक्स की जगह पे क्या लिखने वाले हैं वन प्लस एच लिखने वाले हैं ठीक है एच का भाई वैल्यू रख दीजिए इसको हम जरा मिटा देते हैं क्या तो समझाने के लिए हम आपको बता देते हैं तो ये हम लिमिट रखेंगे तो फोर इंटू वन प्लस एच का वैल्यू जीरो तो फोर वन जा फोर हो जाएगा अब देखिएगा जरा एल एच एल कितना आया था एल एच एल जीरो आया था आर एच एल कितना आया है फोर आया है इसका मतलब ये फंक्शन संतत नहीं है हम कह सकते हैं कि एल एच एल इज नॉट इक्वल आर एच एल अतः x इक्वल वन पर यह फलन जो होगा संतत नहीं होगा ठीक है तो हमने देख लिया है कि x इक्वल वन पर x इक्वल वन पर फलन संतत नहीं है लेकिन संतत किस पर है तो x इक्वल आर रियल नंबर में से कौन सा नंबर घटाना है जिस पर संतत ना हो उसको घटा दीजिए अन्य सभी बिंदुओं पर संतत होगा तो किस पर संतत नहीं है तो वन पर संतत नहीं है तो यहां से हम वन को घटा देते हैं तो x इक्वल आर माइनस वन मतलब r रियल नंबर रियल नंबर से वन को घटा दिया क्योंकि इस पर संतत नहीं था अब इतने वन को घटाने पर जितने भी रियल नंबर बचेंगे उन सभी रियल नंबर पर यह संतत होगा अर्थात एक्स इक्वल आर माइनस वन पर यह फलन संतत होगा लेकिन एक्स इक्वल वन पर संतत नहीं है ठीक है क्योंकि हमने देखा जीरो पर भी संतत था, अन्य सभी पर संतत होने वाला है लेकिन वन पर संतत नहीं है यह हमने देख लिया ठीक है तो चलो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा भाई सब कुछ समझ में आएगा लेकिन सब्र रखिए थोड़ा सा और पढ़ते रहिए ठीक है डोंट वरी आप हमारे साथ बने रहें आप हमारा साथ देंगे सो so डेफिनेटली हम आपका साथ देंगे ठीक है आप में से देखिए जो भी क्वेश्चन जिस जिस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को कठिन लगते हैं मैंने सबसे पहले रिलेशन फंक्शन उठाया था रिलेशन फंक्शन मैंने पूरा अपलोड कर दिया आप लोग जाकर के देख सकते हैं क्योंकि रिलेशन फंक्शन एक ऐसा चैप्टर था बहुत सारे बच्चों ने मुझसे कहा सर मुझे यह अच्छे से समझ में नहीं आया करता है तो मैंने सोचा चलो मैं इस पर आप लोगों को लेके आता हूं ठीक है रिलेशन फंक्शन और मैंने रिलेशन फंक्शन लाया और आप लोगों ने देखा और आप लोगों को समझ में भी आया आप लोगों के अच्छे और पॉजिटिव कमेंट्स आए तो मुझे अच्छा लगा चलो इसी के साथ में फिर बहुत सारे बच्चों ने कहा कि हमें कंटिन्यूटी नहीं समझ में आती है डिफ्रेंशेबिलिटी तो समझ में आती है अवकलन कर लेते हैं लेकिन जो संतत और असंतत होता है ये मेरे समझ नहीं आता है बहुत सारे बच्चों ने मुझसे कहा तो फिर मैंने सोचा चलो हम ये भी स्टार्ट कर देते हैं तो मैंने ये स्टार्ट किया है अगर आपको समझ में आता है तो डेफिनेटली आप हमारा थोड़ा सा उत्साहवर्धन जरूर करें ठीक है तो चलो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर अपना अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है माइनस टू माइनस टू यदि एक्स इज लेस देन आर इक्वल वन शायद यही है एक्स इज लेस देन आर इक्वल माइनस वन ओके आगे दिया गया है टू एक्स टू एक्स यदि एक्स x का वैल्यू क्या है तो एक्स का वैल्यू जो है वो ग्रेटर है माइनस वन से और लेस देन है वन से ओके ग्रेटर देन माइनस वन और लेस देन आर इक्वल वन ठीक है इसके लिए है, आगे दिया गया है टू यदि एक्स का जो वैल्यू है वह वन से ग्रेटर है वन से अधिक है तो हमें ये वाला फंक्शन लेना है तीन फंक्शन दिए गए हैं आसानी से हम इसे भी कर लेंगे क्योंकि हमें इसमें भी दो बिंदुओं पर ही चेक करना है एक तो माइनस वन पर करना है और एक प्लस पर करना है ठीक है तो सबसे पहले हम लोग माइनस वन पर करते हैं एक्स इक्वल माइनस वन पर फलन क्या हो जाएगा तो बताइएगा एक्स इक्वल माइनस वन पर के लिए फलन क्या होगा तो सिंपल सी बात है माइनस वन के जब इक्वल होगा तो हमें फंक्शन ये वाला लेना है माइनस टू और इसका वैल्यू होगा माइनस टू ठीक है तो चलो हमने यह माइनस टू देख लिया। इसका हम एलएचएल निकाल के देख लेते हैं एलएचएल क्या हो जाएगा तो हमें पता है लिमिट एक्स अप्रोचेज माइनस वन के एल करना है तो माइनस वन का माइनस करना है माइनस वन का माइनस मतलब माइनस वन से कम है एक्स का वैल्यू माइनस वन से कम होगा या इक्वल होगा तो हमें ये वाला फंक्शन लेना है तो ले लिया हमने माइनस टू लेकिन यहां पर तो कोई लिमिट है नहीं एक्स तो है नहीं तो लिमिट चेंज करनी नहीं है इसका वैल्यू डायरेक्टली क्या आने वाला है माइनस टू ही आने वाला है इसका हम जरा आर एच एल निकालते हैं तो आर एच एल जब निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेज वन प्लस माइनस वन प्लस मतलब माइनस वन से कुछ अधिक मतलब माइनस वन से कुछ ज़्यादा है तो माइनस वन से जब भी एक्स का वैल्यू माइनस वन से बड़ा है तो हमें क्या लेना है 2x लेना है लेकिन यहाँ पर x का वैल्यू क्या है तो हमने बताया x का वैल्यू भाई x का वैल्यू माइनस वन नहीं है माइनस वन नहीं है माइनस वन प्लस है प्लस मतलब कुछ उससे अधिक है और जब कुछ उससे अधिक है तो प्लस h कर देते हैं ठीक है h किससे हमेशा अप्रोच करता है जीरो से तो यहां पर हम क्या लिखने वाले हैं लिमिट h अप्रोचेज जीरो और ये हो जाएगा टू एक्स की जगह पर क्या रखेंगे माइनस वन प्लस एच और लिमिट रख दीजिए जरा तो टू माइनस सॉरी 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 क्या हो जाएगा टू इन टू माइनस वन प्लस एच का वैल्यू जीरो और मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा माइनस का माइनस का टू ओके तो देख रहे माइनस का टू ये भी आया था माइनस का टू ये भी आया माइनस का टू ये, ये भी आया इसका मतलब है कि एल जो है एल इक्वल है आर के और वे भी इक्वल है एफ माइनस वन के अतः हम कह सकते हैं कि एक्स इक्वल माइनस वन पर यह फलन कैसा है संतत है ठीक है ये तो क्लियर हो गया है अब हमें और क्या देखना है एक वन पर भी चेक करना है कि एक्स इक्वल वन पर इनकी कंडीशन क्या है ठीक है तो एक्स इक्वल वन पर चेक करते हैं फलन क्या होगा एक्स इक्वल वन पर तो एक्स इक्वल वन के लिए ये वाला फंक्शन लेना है टू एक्स ओके टू एक्स ले लिया तो एफ वन एक्स का वैल्यू टू वन रखेंगे तो ये हो जाएगा टू ओके तो ये आ गया है टू अब हम देखते हैं इसका एल एच एल और आर एच एल निकाल के देखते हैं ठीक है तो एल एच एल देखिएगा ये क्या हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेज वन माइनस ओके वन पर देख रहे हैं वन माइनस वन माइनस का मतलब क्या है एक्स का वैल्यू वन से कुछ कम है और जब भी वन से कम होगा या वन के इक्वल होगा तो हमें लेना है टू एक्स तो हमने ले लिया टू एक्स अब जरा ध्यान से देखिएगा टू एक्स ले तो लिया लेकिन एक्स का वैल्यू क्या है तो एक्स का वैल्यू वन माइनस है मतलब वन माइनस एच है मतलब वन से कुछ कम है क्या कम है एच कम है एच किससे अप्रोच करता है हमेशा जीरो से ओके okay? सो so ये याद रखिएगा लिमिट एच अप्रोचेज जीरो और टू एक्स का वैल्यू क्या है वन माइनस एच लिमिट रख देते हैं जरा तो हम टू इंटू वन माइनस जीरो टू वन टू हो जाएगा भैया एल एच एल आ गया है टू अब जरा हम आर एच एल को निकाल लेते हैं आर एच एल आर एच एल का मतलब क्या हो जाएगा भाई लिमिट एक्स अप्रोचेज वन प्लस और वन प्लस के लिए मतलब एक्स का वैल्यू ऑफ वन से अधिक है जब वन से अधिक है तो हमें क्या लेना है टू और यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर एक्स तो है नहीं इसका वैल्यू क्या आने वाला है टू ही आने वाला है अब देखिएगा यहाँ पर एल एच एल आर एच एल और यहाँ पर एफ वन तीनों इक्वल हैं एल एच एल इज इक्वल आर एच एल और इक्वल है एफ वन के अतः यहाँ पर दोनों बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि एक्स इक्वल वन पर भी यह फलन संतत है तो एक्स इक्वल माइनस वन पर भी संतत था एक्स इक्वल वन पर भी संतत है मतलब सभी बिंदुओं पर यह संतत होगा क्योंकि हम कह सकते हैं कि, कि किसी भी बिंदु पर यह फलन असंतत रहा ही नहीं क्योंकि यह जो एक्स इक्वल आर पर अब आर में से कुछ घटाना तो है नहीं क्योंकि कोई ऐसा बिंदु है नहीं जिस पर असंतत हो ठीक है तो एक्स इक्वल आर पर फलन संतत होगा मतलब सभी बिंदुओं पर फलन क्या होगा संतत होगा इसका असंतता का कोई भी बिंदु नहीं है ठीक है तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका कोई भी असंतत बिंदु नहीं है x इक्वल आर पर यह फलन संतत होगा r का मतलब क्या है x जो है r से बिलोंग कर रहा होगा x का वैल्यू r मतलब कोई भी रियल नंबर हो सकता है सभी बिंदुओं पर यह संतत होने वाला है ठीक है तो चलो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवनटीन देखिएगा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा आप लोग पढ़िए और एक बात याद रखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपके दिमाग में थोड़ा सा धैर्य की जरूरत है

यदि x इज लेस देन और इक्वल थ्री हो ओके और यहां पर अगला जो फंक्शन दिया है बी एक्स प्लस थ्री यदि x जो है ग्रेटर देन थ्री हो ओके ये दो फंक्शन दिए गए हैं बताया गया है द्वारा परिभाषित फलन x इक्वल थ्री पर संतत है x इक्वल थ्री पर संतत है ये कहा गया है हमें सिद्ध नहीं करना है कि x इक्वल थ्री पर संतत है या नहीं हमें यह बता दिया गया x इक्वल थ्री पर संतत है अगर संतत है तो इसका मतलब इसका एल आले, एचल और आर एचल दोनों बराबर होने चाहिए तो चलो देखते हैं इसका एल एच एल और आर एचल बराबर है या नहीं है x इक्वल थ्री पर ठीक है तो x इक्वल थ्री पर हम सबसे पहले x इक्वल थ्री पर इसका फंक्शन का वैल्यू निकालते हैं एक्स इक्वल थ्री के लिए ये वाला फंक्शन है हमारे पास ए एक्स प्लस वन एक्स का वैल्यू क्या रखने वाले हैं थ्री तो ये

अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं एक्स का वैल्यू रखने वाले हैं एक्स का वैल्यू क्या होगा एक्स का वैल्यू थ्री नहीं है थ्री माइनस है मतलब थ्री से कुछ कम है क्या कम है एच कम है एच किससे अप्रोच करता है हमेशा जीरो से आपको पता है तो ये हो जाएगा लिमिट

थ्री ओके बी एक्स प्लस थ्री यही तो फंक्शन लेना है हमें अब क्या करना है भी? यहां पर भी रख देते हैं, तो ये हो जाएगा थ्री प्लस थ्री बी प्लस थ्री ओके ये क्वेश्चन ये आंसर हम लोगों के सामने आ चुका है अब हम देख रहे हैं एक बात क्या देखने वाले हैं ध्यान से देखिएगा आपको एक बात समझ में आ रही होगी यहां पर थ्री एक्स और थ्री सॉरी थ्री बी प्लस थ्री तुमको दिख गया है अब हमें ये तो पता है कि ये हमें चेक नहीं करना था कि ये बराबर आया नहीं ध्यान से देखिए इसका एल एच देखिए इसका आर एच एल देखिए इक्वल आपको नहीं दिख रहा होगा लेकिन हमें चेक थोड़ी करना है हमें क्या करना है उसने बताया था इक्वल थ्री पर यह संतत है और अगर संतत है तो इसका मतलब है एल एच एल आर एच एल के बराबर होगा हमें दिख नहीं रहा है तो क्या है हमें सिद्ध तो करना नहीं है इसने बता ही दिया था यह संतत है अगर संतत है तो इसका मतलब है एल एच एल जो होगा वो आर एच एल के बराबर होगा ही और अगर L चल और बराबर है, तो लिख दीजिए L चल क्या है? इसका 3a plus 1 और R चल क्या है? 3b plus 3 इनको अगर बराबर है, ये तो बताया गया है? तो हम जरा यहाँ से a का वैल्यू निकाल लें, 1 को उधर कर दें, तो 3a इक्वल क्या हो जाएगा? 3b plus 3 माइनस का वन जाएगा, हम इसे 3a इक्वल थ्री बी प्लस का टू कह सकते हैं थ्री को अगर हम अपान में कह दें तो ए का वैल्यू क्या आने वाला है थ्री बी के अपान में थ्री होगा और टू के अपान में भी थ्री होगा थ्री थ्री कैंसिल ए का वैल्यू क्या बी प्लस टू अपान थ्री हम कह सकते हैं ए का मान है बी प्लस टू अपान थ्री या फिर ए और बी के बीच में यही संबंध है इनका अलग अलग वैल्यू हम नहीं निकाल सकते लेकिन इनके बीच में जो संबंध है इनके बीच में जो रिलेशन है ये हमने निकाल के दे दिया है और यही इसका आंसर होगा ठीक है इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बहुत ही इजी क्वेश्चन है बस आप लोग मतलब मतलब समझिए कि हमें संतत और असंतत चेक कैसे करना होता है हमें पता है कि सबसे पहले अलचल निकालिए आरचल निकालिए दोनों इक्वल आ गए तो इसका मतलब है संतत है अगर इक्वल नहीं आते हैं तो फिर वह असंतत हो जाता है ठीक है तो चलो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर अपने अगला क्वेश्चन जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 18 ओके क्वेश्चन नंबर 18 ध्यान से पढ़िएगा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा देखिए लैम्डा के किस मान के लिए लैम्डा का वैल्यू निकालना है लैम्डा के किस मान के लिए किस मान के लिए फंक्शन एक दिया गया है फंक्शन fx इक्वल यहां पर डिफाइन किया गया है लैम्डा लैम्डा x2 2x ओके लैम्डा x2 2x यदि यदि एक्स इज लेस देन और इक्वल जीरो के हो ठीक है और यहां पर दूसरा फंक्शन है फोर एक्स प्लस वन यदि एक्स का वैल्यू जो है वह ग्रेटर देन जीरो के हो अगर एक्स का वैल्यू ग्रेटर जीरो का है तब हमें यह वाला फंक्शन लेना है और छोटा है या बराबर है तो हमें यह वाला फंक्शन लेना है ठीक है अब बताया गया है द्वारा परिभाषित फलन एक्स बराबर, जीरो पर संतत है, एक्स बराबर वन पर संत है एक्स बराबर वन पर संतत है तो हमें इस लेंडा का मान निकालिए और इसके संतत पर विचार कीजिए एक्स इक्वल वन पर भी तो एक्स इक्वल वन पर तो हम बाद में चेक करेंगे सबसे पहले एक्स इक्वल जीरो पर चेक करते हैं ठीक है तो एक्स इक्वल जीरो जो तो पर हम चेक करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, x इक्वल जीरो पर आ, f(x) का वैल्यू जो होगा, वो क्या होने वाला है? तो f(x) ध्यान से देखिएगा, f(x) क्या है? जब x का वैल्यू जीरो होते हो, तो x का वैल्यू जीरो हो, तो हमें ये वाला लेना है, लैम्ब्डा इनटू x स्क्वायर माइनस टू एक्स एक्स का वैल्यू रखेंगे जीरो तो यहाँ जीरो यहाँ जीरो ये यह पूरा जीरो लेमडा ये पूरा वैल्यू जीरो आ जाएगा मतलब एफ एक्स का वैल्यू क्या आने वाला है जीरो इतना तो आप लोग समझते हैं इसका एलचल निकालिएगा जरा एल निकाल एच एल एलचल क्या हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेज जीरो माइनस ओके जीरो माइनस रखेंगे तो ये हो जाएगा लेमडा इंटू एक्स की जगह पर क्या रखने वाले हैं हम लोग चलो ये सॉरी जीरो माइनस मतलब जीरो से कम है तो ये लेमडा वाला ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स यहाँ पर हम लिमिट रखेंगे एच एच में जब तो ये बन जाता है एच

जीरो प्लस एच होगा जीरो प्लस एच और प्लस वन लिमिट रखेंगे तो एच का वैल्यू जीरो, जीरो, तो मतलब जीरो पर और जब एक्स बराबर जीरो पर संतत ही नहीं है तो हम लेमडा का मान कहां से निकालेंगे हम कह देंगे अतः एक्स के किसी भी लेमडा के किसी भी मान के लिए यह फलन संतत नहीं होगा ठीक है तो एक्स बराबर जीरो पर

जीरो से अधिक ही है तो हमें कौन सा लेना है 4x plus 1 ही लेना है तो हमने fx का वैल्यू क्या ले लिया है 4x plus 1 अब हम यहां पर क्या करने वाले हैं ध्यान से देखिएगा हम यहां पर क्या करने वाले हैं 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 into 1 plus 1 इक्वल में आ जाएगा 5 ठीक है अब इसका हम एलएचएल यहां पर निकालें तो एलएचएल क्या आ जाएगा एलएचएल क्या हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस वन माइनस ओके वन माइनस का मतलब समझ रहे हैं वन से कुछ कम लेकिन ज्यादा कम नहीं होता है वन माइनस का मतलब होता है वन से कुछ कम है हल्का कम है ज्यादा कम नहीं है मतलब हल्का कम जब वन से होगा तो जीरो से तो बड़ा रहने ही वाला है इसका मतलब है हमें फंक्शन जब एक्स जीरो से बड़ा होगा वन से तो छोटा है लेकिन जीरो से तो बड़ा रहेगा ना तब भी तो हम कह सकते हैं फलन हमें यही लेना है फोर एक्स प्लस वन ही लेना है और यहां पर हम लिमिट बदलेंगे एच अप्रोचेज जीरो सॉरी एच अप्रोचेज जीरो करेंगे और यहां पर फोर एक्स यहाँ पर वन माइनस एच करेंगे प्लस वन एक्स की जगह पर एच की जगह पर जीरो रखेंगे तो फोर इंटू वन माइनस जीरो प्लस वन फोर और प्लस वन इक्वल फाइव आने ही वाला है इसी प्रकार हम चल जब निकालेंगे तो चल क्या हो जाएगा लिमिट

हमारा वो क्या कहते हैं उसे रिलेशन फंक्शन पढ़ा होगा तो मैंने उसमें एक बार ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात बताई थी अगर आपने पढ़ा होगा तो जानते होंगे लेकिन फिर भी मैं इसमें भी आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब समझाने वाला हूँ ध्यान से देखिएगा ज़रा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा मैंने क्या बताया है यहाँ पर कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है हमेशा एक नंबर देना होता है हमें इंटीजर में देना होता है ठीक है कोई पूर्णांक नंबर देना होता है जैसे दशमलव में दिया है टू ओके टू ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का निशान होता है

2.001 भी लिखें तो इसका आंसर भी 2 आएगा मतलब 2 और 3 के अगर बीच में है तो हमें हमेशा छोटा वाला वैल्यू देना होता है जिन दो बिंदुओं जो दो संख्याओं के बीच में वैल्यू होता है उन उस, उसमें से छोटा वाला वैल्यू हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर से बाहर निकल के आता है जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया सॉरी सॉरी इतना बड़ा ग्रेटेस्ट इंटीज लिखाते हैं यहां पर लिख दिया थ्री अब ये जो थ्री एंड फोर के बीच में है थ्री एंड फोर के बीच में है तो इसका मतलब है इसमें थ्री और फोर में छोटा कौन है थ्री होता है तो इसका आंसर थ्री आएगा अगर हम बात करें यहां पर फोर पॉइंट नाइन 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 तो हम देख रहे हैं ये फाइव के बहुत करीब में है लेकिन आंसर फाइव नहीं आएगा इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फोर ही निकल के आएगा क्योंकि फोर और फाइव के बीच में है तो फोर निकल के आने वाला है अब आप लोग ध्यान से देखिएगा अगर हम यहां पर लिख दें सी ओके सी माइनस कुछ भी लिख दें एच लिख दें ओके okay, तो C माइनस एच का मतलब क्या है H जो होता है हमने बताया था ना H जो होता है बहुत ही छोटा वैल्यू होता है H क्या होता है बहुत ही छोटा वैल्यू होता है C माइनस एच मतलब C से बहुत ही कम चीज माइनस हो रही होगी जब C से बहुत ही छोटी चीज माइनस हो रही होगी तो C जो है अब C माइनस एच का मतलब C नहीं है C से एक कम हो गया होगा ध्यान से देखिएगा अगर हम यहां पर लिखें थ्री थ्री माइनस जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन ओके okay? तो थ्री माइनस जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन का मतलब क्या है कि इसका वैल्यू हमारा जो निकल के आने वाला है वो हो जाएगा आ, हम कह सकते हैं टू पॉइंट नाइन 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 यही तो हो जाएगा यही वैल्यू हो जाएगा ना इसका मतलब है इसका जो हम ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो इसका आंसर क्या आने वाला है टू आने वाला है मतलब थ्री माइनस जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकलेगा तो टू निकलेगा इसका मतलब है यहाँ पर जब भी छोटी संख्या माइनस होती है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इससे एक कम निकलता है जैसे यहाँ पर सी माइनस एच हुआ है तो सी माइनस एच का मतलब क्या है तो सी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर निकलेगा वो सी से एक कम निकलेगा क्या निकलेगा सी से एक वैल्यू कम निकलेगी अर्थात सी माइनस वन बाहर निकलेगा क्या आएगा? बाहर निकल के क्या आएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर से c -1. c मतलब का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो निकलेगा बाहर वो क्या होगा c -1. c c c c याद रखिएगा का का क्या निकलेगा c -1. क्योंकि मतलब से कुछ कम कुछ कम कम हो हो गया गया था अब जब है तो जब ग्रेटेस्ट इंटीजर करेंगे तो उससे एक वैल्यू कम होने वाली है एक माइनस हो गया सी माइनस हो गया ठीक है जैसे तो, तो इसी प्रकार निकलेगा और अगर यहां पर प्लस हो प्लस हो तो ध्यान से देखिए जब प्लस होगा तो जैसे यहां पर प्लस कर दिया तो इसका आंसर क्या होता थ्री पॉइंट जीरो जीरो वन होता तब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर थ्री ही निकलता मतलब जब प्लस होगा तो जो पहले होगा वही इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी बाहर निकल के आएगा लेकिन यहां पर जब प्लस आए तो हम कह सकते हैं सी प्लस एच है इसका मतलब है इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर सी ही निकलेगा लेकिन जब सी माइनस होगा एच तब हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर सी माइनस वन निकलेगा ठीक है तो ये बातें दोनों याद रखिएगा और अगला सवाल क्वेश्चन नंबर जो नाइनटीन है बहुत ही इजी हो जाएगा फिर आपको समझ में आ जाएगा ठीक है चलो समझते हैं क्वेश्चन नंबर नाइनटीन को दिया गया है दर्शाइए कि जी एक्स इक्वल एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स ओके दिया गया है जी एक्स इक्वल दिया गया है एक्स माइनस ग्रेटेस्ट ठीक एक्स द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असंत है यहां मॉड जो एक्स है वह उस महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है जो एक्स के बराबर या एक्स से कम है हमें दिखाना है कि यह सभी पर असंत है सभी बिंदुओं पर असंत है हमें यह सिद्ध करना है तो हम क्या करेंगे यहां पर कोई बिंदु तो दिया नहीं है कि एक्स इक्वल थ्री टू फोर किसी पर चेक करिए तो हम क्या करते हैं एक्स इक्वल सी पर चेक कर लेते हैं ठीक है तो हमने मान लिया एक्स इक्वल सी पर इसको हम चेक करें तो एक्स इक्वल सी पर अगर हम चेक करेंगे तो ध्यान से देखिएगा एक्स इक्वल सी पर चेक करने के लिए जी एक्स का वैल्यू क्या आने वाला है एक्स की जगह पर जरा हम एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स दिया गया है यहां पर एक्स की जगह पर हम सी रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा ये आ जाएगा बच्चा हमारा एक्स की जगह पर सी और माइनस में एक्स की जगह पर क्या रखने वाले हैं सी रखने वाले हैं तो ये सी माइनस सी इक्वल जीरो आने वाला भाई अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर हमें टू लिखा है तो इसका वैल्यू तो टू आएगा थ्री लिखा है तो थ्री आएगा पॉइंट नाइन लिखा है तब भी टू आएगा ठीक है जब पूर्णांक के रूप में लिखा है तो जितना लिखा है वही आने वाला है सिंपल सी बात है तो यहां पर सी लिखा था तो C ही इसका इसका आंसर आएगा ठीक है अब एल एच एल सी माइनस ओके सी माइनस का मतलब है एक्स का वैल्यू सी से कम है तो यहां पर फंक्शन यह क्या दिया गया है एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स ठीक है जरा हम देखते हैं यहां पर लिमिट को चेक करते हैं एक्स का वैल्यू क्या है सी माइनस मतलब सी से कुछ कम है क्या कम है एच कम है अब एच का जो अप्रोच किससे करता है हमेशा जीरो से करता है तो हम लिखेंगे यहां पर एक्स सॉरी एच अप्रोचे जीरो गे? एच अप्रोचे जीरो और एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे तो एक्स की जगह पर हम लोग लिखेंगे सी माइनस एच और माइनस में एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे सी माइनस एच अब ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में है इसका बाहर निकालना पड़ेगा और जब हमें पता है हम इसको जब बाहर निकालते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर को तो क्या आएगा भाई तो लिमिट ये लिखिएगा लिमिट इंस्टेंट टू माइनस एच मी माइनस एच का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर बाहर निकल के आता है वो क्या आता है सी माइनस वन निकल के आता है क्या निकल के आता है सी माइनस वन निकल के आता है माइनस वन जरा अंदर करिएगा तो ये बन जाएगा लिमिट एच इंस्टेंट टू जीरो और सी माइनस एच माइनस का सी और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का वन ओके सी से सी कैंसल आउट एच का वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए एच का वैल्यू माइनस जीरो प्लस वन ये है तो इसका आंसर क्या आया वन निकल के आया है ठीक है एल एच एल हमारा वन आया है अब इसका आर एच एल जरा हम चेक कर लेते हैं ठीक है बच्चा आर एच एल चेक करिएगा एक बार आर एच एल हम चेक करें तो आर एच एल क्या हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचे जीरो सॉरी सी प्लस सी प्लस लेंगे और ये हमारा जी एक्स का वैल्यू क्या है एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है यहां पर हम एक्स का वैल्यू क्या रखेंगे फिर वही रखना है सी प्लस एच लिखना है तो लिमिट h अप्रोचेस क्या होता है जीरो होता है और एक्स की जगह पर हम क्या लिखेंगे सी प्लस एच माइनस में यहां पर c प्लस एच ओके हम यहां पर देखेंगे क्या हो जाएगा भाई c प्लस एच लिमिट एच अप्रोचेज जीरो सी प्लस एच रहेगा माइनस सी प्लस एच का जो निकल के आता है बाहर वो क्या निकल के आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर से केवल C निकल के आता है अभी हमने यही समझाया था सी सी कैंसिल आउट हो जाएगा केवल एच बचेगा एच का जब हम वैल्यू रख देंगे लिमिट रख देंगे जीरो आएगा तो हम देख रहे हैं एल एच एल और आर एच एल दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं एल एच एल इज नॉट इक्वल आर एच एल अतः यह फलन किसी भी बिंदु पर x इक्वल सी मतलब c कोई भी वैल्यू हो सकता था x इक्वल सी मतलब कि किसी भी बिंदु पर यह फलन संतत नहीं होगा अतः असंतत होगा जो यह हमें सिद्ध करना था वही हमने सिद्ध कर दिया है इसमें क्या सिद्ध करना था कि दर्शाइए कि जी एक्स एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजियर एक्स द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है तो हमने सिद्ध कर दिया है कि समस्त बिंदुओं पर एक्स इक्वल समस्त बिंदुओं पर यह फलन असंत होगा क्योंकि एल एच बराबर नहीं आया है ठीक है तो मेरे ख्याल से आपको इस समझ में आया होगा और आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 तक ही रखने वाले हैं आगे के क्वेश्चन हम लोग आगे की क्लास में देखेंगे आज के, के लिए बस इतना ही लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और वेलाइकन को प्रेस नहीं किया है प्रेस कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए तो फिर हम मिलेंगे आगे के क्वेश्चन के साथ में अगली क्लास में तब तक के लिए गुड बाय